उनकी व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से वह अच्छी तरह परिचित है। वैसे तो चुनाव प्रारंभ होने के पहले ही जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, सामान्यतया पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होने के कारण हम और मोदी जी सारे देश का दौरा कर रहे थे। उसी समय महामारी के संबंध में एक चर्चा हम लोगों की हुई थी। ईश्वर को मंजूर था, सरकार बनी और सरकार बनने के बाद ही स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि अब समय वह आ गया है कि महामना मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न के अलंकरण से नवाजा जाना चाहिए, जो कि भारत का सर्वोच्च अलंकरण होता है। और साथ ही हम लोगों ने यह भी फैसला किया कि भारत की राजनीति में ही नहीं बल्कि विश्व की राजनीति में जिनकी एक विशिष्ट पहचान है और जिन्होंने जब से अपने राजनीतिक जीवन की यात्रा प्रारंभ की तब से लगातार आगे बढ़ते गए, सारी बाधाओं को पार करते गए और अपना ही दल नहीं बल्कि प्रतिपक्षी ही क्यों न हो, धुर विरोधी विचारधारा का कोई व्यक्ति क्यों न हो, उस अटल जी के प्रति उसके मन में सम्मान था। इसीलिए यह फैसला किया गया। पर मैं मानता हूं कि महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जिन जीवन मूल्यों को जिया है यह उसका सम्मान था। उन्हें महामना की उपाधि कैसे प्राप्त हुई, किसने दिया, किसने पुकारा, इससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। श्री रविंद्रनाथ जी टैगोर ने उनकी कृतियों को देखते हुए ही यह कहा कि महामना है, बड़े मन के हैं। यदि उन दोनों विभूतियों के बीच सामंजस्य को यदि हम देखें, महामना मदन मोहन मालवीय जी और आज के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, महामना होने का क्या महत्व है उसको अटल जी ने भी समझा था। और अटल जी की एक कविता थी जिसमें उन्होंने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। यह अटल जी ने कहा और यह भी हकीकत है कि छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है। क्यों उन्होंने भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन कराने के लिए परंपरागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान इन दोनों के बीच समन्वय बैठाकर चलने वाला कोई न कोई विश्वविद्यालय चाहिए, इसलिए उन्होंने भिक्षा मांगकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहां कोई भी कार्य होता है, अच्छा कार्य, तो उसका वो एक संस्कारों से जुड़ा होता है। उन्होंने भिक्षा को मांगना छोटा काम नहीं किया, शिक्षा के लिए भिक्षा मांगी। अब हम लोग भी उसी उन्हीं के आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च की है, मेक इन इंडिया। भले ही बाहर से पैसा आए, चाहे घर का पैसा चाहे बाहर का पैसा, घर की पूंजी या बाहर की पूंजी, किसी का निवेश हो, लेकिन आइटम बनना चाहिए, माल बनना चाहिए तो भारत में बनना चाहिए। और मेक इन इंडिया स्कीम से प्रारंभ करके हम भारत में विश्व की छवि एक मेक इन इंडिया के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, ताकि सुपर क्वालिटी का आइटम यदि कहीं का हो सकता है तो भारत में जो बना होगा, मेड इन इंडिया जिस पर लिखा होगा, वही सुपर क्वालिटी का होगा। मैं कह रहा था
कुछ महीने के पहले काशी में और फिर वहां मालवीय जी का एक कार्यक्रम था और मैंने वो सारा संकुल देखा और संकुल देखने के बाद मैंने कहा मुझे एक ही बात की पीड़ा है और वो पीड़ा ये है कि यदि मैं भी इस विश्वविद्यालय में पढ़ता तो मैं भी और कुछ बड़ा हो सकता था। इतना सुंदर, इतना विशाल संकुल कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि भारत का नागरिक स्वयं प्रेरणा से इस प्रकार का विश्वविद्यालय खड़ा कर सकता है। दुनिया में इससे बड़े एक दो विश्वविद्यालय है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वह विश्वविद्यालय जिसको रोज के परिभाषा में हम डेवलप कंट्रीज कहते हैं, ऐसे डेवलप कंट्री में एक या दो इससे बड़े विश्वविद्यालय है, लेकिन सारे एशिया में या दुनिया के सारे अनडेवलपमेंट कंट्रीज में इतने पहले आज लगभग 35,000 विद्यार्थी छात्र वहां शिक्षा लेते हैं और एक से एक बढ़िया संकाय से वहां पढ़ाई होती है और वहां से जो जो विद्यार्थी छात्र पढ़कर जाते हैं वो जहां भी जाए यदि वो कहता है कि मैं बीए क्यों का हूं तो अपने आप में सम्मान पाता है। इस प्रकार का यह विश्वविद्यालय है।